हाय गाइस, सो स्वागत है मेरे ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। आई एम पोस्टिंग दिस ब्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो इसका जो रीज़न है मैं अभी नहीं बोलूँगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूँगा। तो हुआ कैसा है, मैंने इंस्टा पे क्या किया था, स्टोरी डाली थी, लाइक आई एम मेकिंग माई ब्लॉग्स अगेन। तो मैंने डाला था कि एक ट्रैवलिंग का होगा और नेक्स्ट जो होगा वो होगा फिटनेस ब्लॉग, दोज वेर टू ऑप्शंस। ओके, तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी और लोगों को सजेशन पूछा, तो मुझे ज़्यादा जो मतलब सजेशन आए थे वो आए थे ट्रैवलिंग पे। मैंने डिसाइड किया कि वी शुड कंटिन्यू अवर ब्लॉग बाय मेकिंग ब्लॉग्स ऑन ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स, सो लेट्स गो। अरे रुको रुको, लेट मी एक्सप्लेन, पहले हम जाने कहाँ वाले। ओके, तो आप गेस करो। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द गोवा। यस, आपने सही सुना, हम जाने वाले गोवा को। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मैं हूँ सोलापुर में मेरे दोस्त के पास, और ही इज़ माई फ्रेंड राम। हेलो गाइस, सो इसकी आईडी जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी वाली है, यू कैन चेक इट आउट। और हम यहाँ से हमारी जर्नी बिगिन करने वाले, सो बसेस क्या होगे, कैसा होगा, क्या होगा, वो आपको सब मतलब व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। सो वी आर हेयर राइट इन द सोलापुर बस स्टैंड, और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। और ये जो है हमारी बस है, तो थोड़ा आराम से पूछते अभी हम जाने कहाँ वाले और क्या कर रहे हैं। तो अभी हम जाने कहाँ वाले, सोलापुर से अपन जाएंगे पणजी यहाँ से, और फिर यहाँ से इंटर करेंगे गोवा में। तो एज राम ने बोला हमें, हम यहाँ से पहले मतलब सोलापुर से जाएंगे पणजी। ओके, तो पणजी हमारा रहेगा प्री डेस्टिनेशन। ओके, वी कैन से प्री डेस्टिनेशन, और जो फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा हमारा गोवा। सो लेट्स सी। चलो, कंडक्टर का प्रोटोकॉल आ चुका है, निकल लेंगे, सभी निकलते हैं। सो वी आर एंटरिंग साइट। चलो, देखो हम बस के अंदर बैठ चुके हैं, मैं एंड राम। राम ने विंडो सीट पे कब्जा कर लिया मेरे से पहले आके। बुकिंग तो मैंने किया था, बुकिंग मैंने, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है, इसीलिए इसने गलत किया है। तो अगली बार विंडो सीट होगी वो हमारी होगी, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, गोवा इज ऑन। सो बस स्टार्ट हो गई है और हम सोलापुर से ठीक है बाहर निकल रहे हैं, आपको दिखा दो। देखो आप देख सकते हो, तो हाय गाइस, तो बस रुक चुकी है हमारी यार गोकुल एक्सिक्यूटिव। तो अभी हम करने वाले डिनर। देखो राम यहाँ पे आके बैठ चुका है, ऑर्डर दे दिए शायद भाई ने, है ना, ऑर्डर दिए अभी। आज तो खाएंगे हम पनीर, और अभी क्या करेंगे, हम हमारा डिनर खाएंगे फिर वापस जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स हैव आवर डिनर। वी हैड कंप्लीटेड आवर डिनर, और ये राम आ गए। तो राम डिनर कैसा था? बढ़िया था ब्रो, बढ़िया। तो डिनर हो गया है, सीधा आपको मिलेंगे पणजी में, ठीक है। सो गुड नाइट गाइस। तो वी हैड एंटर्ड इन अ गोवा स्ट्रेट, और क्या हुआ कि ड्राइवर ने बस रुकाने के लिए कहा, क्योंकि अभी टेस्ट चालू है, लाइक कोरोना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है तो वो जर्नी कंटिन्यू करने देगी, अगर नहीं है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, लाइक आपको आपकी टेस्ट करके आपको अश्योर करना पड़ेगा कि दैट वी आर कोरोना नेगेटिव। ओके, तो वो टेस्ट करने वाले, और जिनके पास सर्टिफिकेट है उनका सर्टिफिकेट देख के वो उनको कंटिन्यू करने देंगे। तो राम के पास और मेरे पास दोनों ही सर्टिफिकेट है, हमें मतलब दोनों ही वैक्सीन ले वाले, तो हमें तो भैया टेस्ट होंगी अपनी, तो ऐसा लग तो रहा है, पर देखेंगे क्या होगा कुछ नहीं। चलो फिर, और टेस्ट कराते हैं, मीन्स अपना सर्टिफिकेट दिखाते, और फिर लेट्स मूव टूवर्ड दी पणजी। हम आ गए अभी पणजी में, पणजी में उतर चुके हैं। अब राम हमें कहाँ जाना
अभी यहाँ से हम जाएंगे मड़गांव, मड़गांव से फिर साउथ में जाएंगे। ओके अभी जाना है मड़गांव, ठीक है मड़गांव जाके हम रूम बुक करने वाले और फ्रेश वगैरह होके फिर साउथ में जाने वाले। टैनिंग बहुत हो गया यार, देखो टैनिंग। चलो फिर निकलते। सो वी आर राइट हियर इन द अगोंडा बीच एंड वी आर हैविंग आवर लंच। बहुत देर हो गई लंच करने में और थोड़ी देर में मैं आपको बीच दिखाने वाला हूँ। सो पहले लंच कंप्लीट कर लें। और लंच में मैंने क्या ऑर्डर किया है, सी फूड राइस और राम ने आई थिंक पनीर राइस है ना राम, पनीर राइस। या सो लेट्स हैव इट। वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बीच और आपको बीच दिखाता हूँ। बहुत एक्साइटेड है ना, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। It's really awesome. I'm thinking to grind something. कुछ फ्लिप्स हो जाए but not now. Let me go first near the beach. I'm so happy because मेरा first experience है beach के पास का। रियली फील्स ऑसम यू नो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बीच। बहुत पीस फील होता है गाइस। कभी ऐसा आपको फील हो रहा है डिमोटिवेटेड या डिप्रेस्ड, सो आई थिंक यू शुड पैक अप योर लगेज एंड कम हियर, यू शुड ट्राई दिस। आपको दिखाता हूँ एक बार से, दिस वेव्स आर रियली ब्यूटीफुल। यू कैन सी देयर गाइस, एट इवनिंग आई विल ग्राइंड सम फ्लिप्स ओके एंड कैलिस्थेनिक स्टफ हियर। बहुत मजा आने वाला है, अभी तो बस चीज़ों का मजे ले रहा हूँ, लाइक इन पीस, नो फिजिकल वर्क, जस्ट पीस। थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, मेरे साथ रही बस। गो देयर ओके, देयर मैं आपको जाके दिखाता हूँ उधर क्या है कैसा। विल कवर दैट थिंग, विल जस्ट कवर दैट एरिया। तो ये जो बीच का नाम है, this beach is known as Agonda beach and it is located in the south of Goa, Agonda beach। kabhi agar aap yahan pe aaye to zarur yahan pe aaiye because it is really amazing, it will astonish your eyes। aapko pura chauka dene wale nazare yahan pe, aisa lagega ki aapko I am standing somewhere in the heaven because यहाँ पे कुछ कचरा नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे एरिया में, इसलिए मतलब बहुत शांत और एकदम पीसफुल एरिया है। चलो तो मैं दिखाता हूँ आप इतना दूर आके क्या है यहाँ पे कैसा है। That man is surfing there. मुझे वहाँ पे जाना है, वो पत्थरों के पास। बहुत रिस्की है वो। तो आपने बीच तो देख लिया है, अब चलो हम जाते हैं हमारे आवर रूम्स ओके। कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ क्या बुक किया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलो जाते हैं दिस वे ओके एंड देन यू हैव टू टेक लेफ्ट। सो लुक हियर, राम इज ग्राइंडिंग द कॉफी and this is the place where I stay. You can look, it is so beautiful okay. Washroom. अभी राम और मैं जा रहे हैं पैलोलियम बीच की तरफ।
यस राम, अभी पैलोलिम जाएंगे, तो चलो निकलते हैं पैलोलिम की तरफ। वी आर गोइंग टू हैव आवर लंच नाउ। और होटल कैफे रूम्बा, और आई एम स्कीपिंग हेलमेट इन साइड स्कूटी। लेट्स गो एंड हैव सम मील। और आप पूरा सी फूड खाने वाला हूँ मैं। सो मैंने क्या ऑर्डर किया है, गेस करिए। तो मैंने ऑर्डर किया है फिश करी एंड रोटी विथ रोटी। और राम ने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया राम तुमने? वेज बिरयानी किया है ब्रो। सो राम अपना धर्म निभा रहा है, वो है ब्राह्मण, तो उसने वेज खा। सो ही इज ग्राइंडिंग द वेज फूड। और मैं लूँगा अभी फिश करी रोटी, और फिर लास्ट में लूँगा मैं सी फूड बिरयानी, उसमें सब आएगा एवरीथिंग। यस राम, आइडिया कैसी है? सही, अभी क्या करे, फिर बाद में नॉन वेज हो गए। हाँ, फिर बाद में हम जाने वाले बीच पे, और थोड़ी देर वहाँ पे आराम करके। नाउ वी हैड ऑर्डर दिस इज फिश करी, लुकिंग सो ग्रेट एंड टेस्टी, एंड दिस इज वेज बिरयानी विच राम इज हैविंग। सो वी विल फिनिश दिस। यार पैलोलिम बीच के पास आ चुके हैं राम और मैं। आपको दिखा था पैलोलिम बीच क्या है, कैसा है? दिस इज पैलोलिम बीच। ओके, यार कैचिंग द फिशेस। वाओ, सो राम हाउ आर यू फीलिंग? कैसा फील कर रहे हैं? ग्रेट। कैसा है आगे? बहुत सही। और आप देख सकते हो आगे तो कोई एंडिंग ही नहीं है। बहुत सही फील हो रहा है, बहुत बहुत बहुत। बस आगे सिर्फ पानी पानी दिखा दे रहा है, पानी पानी सब तरफ। एंड दिस बीच हैज नो एंड, है एंड पर आगे बहुत आगे। वेव्स देखो यार, कैसे वेव्स है यार, बस बहुत सही यार, रियली ऑसम। पैलोलिम बीच देख चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच, बस घूमते रहने वाले। अब स्कूटी हमारे पास सब है, बस बहुत घूमेंगे बहुत घूमेंगे। चलो फिर अभी निकलते हैं बटरफ्लाई बीच की तरफ। सो गाइज हम बटरफ्लाई बीच पे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप कंडीशन, बहुत मजा किया है। और आपको दिखा दो, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बटरफ्लाई बीच, देखो कैसा है। आई नो बहुत अमेजिंग है, देखो। और ऊपर से बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, इसलिए बहुत सही लग रहा है यार। देखो वहां से हम आए, वो बहुत अंदर से क्रॉस करके 4 किलोमीटर लगभग। और ये देखो बटरफ्लाई बीच है, हम सीधा जाने वाले रिजॉर्ट पे और वहाँ पे रेस्ट करने वाले। हो गया, बहुत घूमे बहुत एंजॉय किया, तो चलो रिजॉर्ट पे निकलेंगे फिर। भारी दिखते वर्गा। सो अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। हमारी गोवा की ट्रिप यहाँ पे खत्म हो गई है, और हम जाने वाले अभी हमारे घर पे, अभी हम निकल रहे हैं। तो राम गोवा की ट्रिप कैसी लगी आपको? जिंदगी में कभी भी आना है तो साउथ गोवा आ जाओ यार, साउथ गोवा। सो राम की तरफ से आपके लिए एक फ्री टिप है, ग्रेट ग्रेट मैन ग्रेट, एक फ्री टिप है
अगर आप गोवा विजिट करेंगे तो सबसे पहले साउथ गोवा में आइए, ठीक है, क्योंकि साउथ गोवा है ना बहुत 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 ब्यूटीफुल है और बहुत कम लोगों को, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बीच है जो मिस्टीरियस है। आपको अभी दिखेगा अगर स्टोरी वगैरह हम डालेंगे तो, बटरफ्लाई बीच सो ब्यूटीफुल मैन, सो ब्यूटीफुल। तो जो बटरफ्लाई बीच है हमने देखा था वो बहुत कम लोगों को पता है और सीरियसली वहाँ पे बहुत कम लोग है विजिट करते हैं, और लाइक प्राइवेट बीच है वो। प्राइवेट बीच, और उसका जो वे जाने का वो भी बहुत डिफिकल्ट है। आपको अगर ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और घंटे को दबाना मत भूलिए। और देखेंगे अगला ब्लॉग क्या होगा, ट्रैवलिंग होगा या फिटनेस ब्लॉग, देखेंगे। तो चलो आज के लिए बाय।